नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। बिकरू कांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के शार्प शूटर रहे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का केस अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लड़ेंगे। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का केस अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लड़ेंगे। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने बताया कि सतीश मिश्रा ने खुशी का केस लड़ने के लिए हाँ कर दी है। खुशी दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे की बहू भी कहा जाता है, क्योंकि वो अमर दुबे को बेटे की तरह मानता था। खुशी दुबे फिलहाल जेल में बंद है और उस पर बिकरू पुलिस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा है। बिकरू में पुलिस कर्मी की हत्या के मामले में खुशी दुबे पर ही साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था, लेकिन किशोर न्याय बोर्ड ने उसे नाबालिग करार दे दिया था। अब बीएसपी के पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि सीनियर वकील सतीश मिश्रा खुशी दुबे का केस लड़ सकते हैं। अयोध्या में नकुल दुबे ने कहा था कि अगर खुशी दुबे या उनके परिवार का कोई भी सदस्य सतीश मिश्रा से संपर्क कर उनसे केस लड़ने की पेशकश करता है तो वो खुशी दुबे का केस लड़ सकता है। अब ये बात साफ हो गई है कि वो खुशी दुबे का केस लड़ेंगे। बाराबंकी जेल में बंद खुशी दुबे की कुछ दिन पहले तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके चलते जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने तबीयत में सुधार ना होता देख उसे लखनऊ रेफर कर दिया था। हालांकि अब उसकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विकास दुबे की बहू खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 16 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आज पुलिस कर्मियों की हत्या नॉर्मल बात नहीं बल्कि जघन्य अपराध है। ये घटना समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। कानपुर स्थित बिकरू कांड में पिछले साल कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। पूरी वारदात को विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद विकास दुबे के करीबी और शार्प शूटर अमर दुबे को पुलिस ने हमीरपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। यूपी की राजनीति में बीएसपी ब्राह्मणों को साधने में जुटी है। अब सतीश मिश्रा ने खुशी दुबे के केस को लड़ने का फैसला किया है। अब इस फैसले को इससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि सुबह में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। मायावती एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ये सम्मेलन किए जाएंगे। बीएसपी 2017 के फॉर्मूले पर वापस लौट रही है। दलित ब्राह्मण ओबीसी इस फॉर्मूले के साथ मायावती 2022 चुनाव में उतरेगी। गौरतलब है कि साल 2017 में मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा था। मायावती की ये रणनीति सफल भी रही थी और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। यूपी की राजनीति में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए मायावती एक बार फिर से जुगत में लग गई हैं। इसके लिए बीएसपी के नेता खुशी दुबे का केस लड़ने तक को तैयार हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी